मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि महिला होना अथवा आदिवासी होना, समाज में जन्म लेना, आदिवासी समाज में जन्म लेना कोई बुराई नहीं है। मेरी कहानी आप सबको मालूम होगा, मैं भी आदिवासी समुदाय की हूं। यहां मैं आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड जितना विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाया, इसीलिए थोड़ा दुखित थे, दुख प्रकाश करते थे, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। झारखंड अलग अलग राज्य होने के बाद अभी शायद 22 साल पूरी हुआ, लेकिन उन दिनों से आदिवासियों मुख्यमंत्री, शायद एक बार कोई दूसरे समूह के मुख्यमंत्री थे, 28 एमएलएच, 28 एमएलएच आदिवासी। मैं खुश हूं आज आदिवासी केंद्रीय कल्याण जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मैं और भी खुश हूं आज महिला विकास मंत्री भी खूंटी से बिलोंग करती, खूंटी के पास के एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक है और महिला समूह के मंत्री है। मैं आशा करती हूं कि आने वाले दिन में, मैं जब अभी यहां आने के पहले महिला समूह ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो समूह अपने अपने लिए जो बनाए हैं तो चुने हैं, उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को वहां दिखाए थे, शायद 40 करीब ऐसे स्टॉल होगा मैंने देखा। मैं उनको प्रोडक्ट्स तो देख रही थी लेकिन उनके चेहरे को मैं देख रही थी, उनके चेहरे पे जो मुस्कान, मैं पूछ रही थी कि आपको सालाना कितना मिलता है या महीने में कितना मिलता है, आप खुश हैं? उन्होंने बोले हाँ। मैं उनके चेहरा के को देख करके मैं अपने बचपन के या अपने जो उनके एज के जब थी उस टाइम के समय में याद करती थी। मैं आपको कहना चाहूंगी ये केवल मैं ओडिशा के तो हूं लेकिन यहां के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है, क्योंकि ये जो माननीय मंत्री जोबा मांझी जिस घर में वो बहू होकर गई है उसी घर के है मेरे दादी थे, अभी तो नहीं है, मेरे दादी उसी घर के थी, इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का एक मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूं, लेकिन मैं ये महिलाओं को देखकर थोड़ा ईर्ष्यान्वित थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरे पास भी वही ज्ञान होता उस दिन बचपन में, मेरे दादी ने मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर मेरे हम लोगों का खेती था और खेती के आड़ियों में शायद 20 ऐसे महुआ के पेड़ था। हम रात को 2 बजे मुझे मेरे दादी ने 2 या 2:30 बजे मेरे दादी ने उठाती थी, चलो जाएंगे, उसको कलेक्ट करते थे, सुखाते थे और पोटोम बांध के, हम तो बंदी कहते थे, पोटोम बांध के उनको रखते थे। साल भर में कभी कीड़ा लग जाता था, इतने सारे पसीना बहाने के बाद, क्योंकि उनको उपयोग हम नहीं पता था, केवल उसको बॉयल करके, कभी हम लोगों के पास खाना नहीं होता तो थोड़ा बहुत खा लेते, लेकिन इतने सारे उनका वैल्यू ही नहीं था, 25 पैसे या 20 पैसे केजी था, लेकिन आज बहनों ने उससे क्या क्या बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं और इतने कीमत से वो बेच रहे हैं।
बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम कलेक्ट करते थे, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से हमको पता नहीं था, लेकिन जिंदगी उसी तरह जीते थे। आज महिलाओं को बहुत सारे चीजें सरकार द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा उनको सिखाया जाता है, और कुछ रुपया महिलाओं के पास केवल धान के अलावा या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन आज महिलाएं केवल धान खेती के ऊपर निर्भर नहीं करते। आज सरकार जो महिला समूह बनाए हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं तो खुश हूँ, जो राज्यपाल थी शायद मुझे एग्जैक्ट जितने पता है 302 केजीबीबी था, मैं केजीबीबी घूमती थी, केजीबीबी में शायद आदिवासी बच्चे ही पढ़ते हैं, तो मैं उनको चेहरे को देख के खुश होती थी। आज वो बच्चियां शायद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या शायद नौकरी भी करते होंगे। मैं राष्ट्रपति बनने के बाद सभी स्टेट, सभी राज्य मुझे घूमने के लिए मौका मिला। इसी तरह बहुत सारे महिला समूहों को मैं मिलती थी, इंटरेक्ट करती थी, मैं तो खुश हूं। भले ये आदिवासी बहुल राज्य है, 26% आदिवासी इस राज्य में है, उसका 50% आप बोले तो मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी रहते हैं इस झारखंड में, लेकिन आधा है महिलाएं। ये महिला सशक्त है, ये आत्मनिर्भर है, और ये फैमिली को तो निश्चित रूप में एक दो कदम दूसरे राज्य से ये झारखंड के आदिवासी फैमिली एक दो कदम आगे है, ये केवल महिला समूह द्वारा संभव हो पाया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, इसीलिए छोटेपन में कहते हैं बेटियां मेरी रानी है, बेटी रानी, परी है, ये देवी है, दुर्गा है, ये सामने मैं देख रही हूँ, लक्ष्मी है, सरस्वती है, मैं देख रही थी उनके चेहरे पे जो मुस्कान देख के मैं खुश हो रही थी। चलिए बहुत दिन बाद ही से ही महिलाओं के चेहरे पे तो मुस्कान आया। मैं बहुत सारे महिला समूहों से बीच बीच में जाती थी, एक महिला समूह को मैंने भेटी, वहां शायद 2000 महिलाओं का सम्मेलन था, एक महिला आके एक कंप्यूटर लाए, और सरकार के कितने स्कीमें हो है और स्कीम में क्या क्या लाभ उनको मिलता है उसके बारे में वो एक के बाद एक कंप्यूटर चला के हम लोगों को सुना रहे थे। मैं उनको देखकर मैं ये अचंभित हो रही थी। बाद में मैंने पूछा आपको पढ़ाई कितने की, उन्होंने मैडम ज्यादा नहीं, 9 क्लास के एक महिला कंप्यूटर चला के गवर्नमेंट का जितने स्कीम, केंद्र सरकार के जितने स्कीम है, राज्य सरकार के जितने स्कीम है वो गिनाती थी, और वो स्कीम के द्वारा उनको क्या क्या लाभ मिल रहा है उसके बारे में वो वर्णन करती थी। उसको देख करके मैं अपने आप को मैं कितनी छोटा महसूस करती थी, मैं कितना पीछे हूं। इसीलिए आप कभी भी, आपका कदम आगे बढ़ रहा है, ये मुझे लगता है एक कदम पीछे हटने का कोई संभावना नहीं, आगे बढ़ेगा, खुद तो सशक्त हो गए परिवार। उनको मैंने पूछा तो उन्होंने बोले मैडम इतना हम तो कमा लेते हैं, अभी अच्छे वाला स्कूल में हम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, अच्छे वाला स्कूल में। तो इसीलिए मैं इनको देख करके मैं बहुत खुश हूं, और इनके पास वो पोटेंशियलिटीज है, जुनून है, आगे बढ़ने का जुनून है। मैं जो अभी यहाँ आ रही थी काल शायद ट्राइवल सबसे पीबीटी जी को मैंने मिली, आज केवल झारखंड में नहीं, पहले भी मैं पीबीटी जी से मिलती थी, आज भी मैंने काल मिली, और ऐसे सभी स्टेट में जितने पीबीटी जी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ सारे भारत में 700 से ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी है, उनमें से अभी तक इतने आइडेंटिफाई 75 ऐसे ट्राइबल को आइडेंटिफाई किया गया है जो सबसे पीछे है। उनको मैं पूछ रही थी क्या क्या वो सुविधाएं हैं, और वो भी
उनको भी आगे बढ़ने का जुनून है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम पीछे हैं, इसीलिए हमको बहुत सारे सुविधाएं दिया गया है, लेकिन हम पीछे हैं इसीलिए हम बैठ के रहेंगे? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमको बैठे बैठे देगा? ऐसे नहीं, हम लोगों के पास भी जुनून होना चाहिए आगे बढ़ने का, और जानकारी लेना चाहिए गवर्नमेंट हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, और सुविधा का लाभ उठाने के लिए हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। और वो लोग प्रयास कर रहे हैं, वो लोग खुश है, ये तो शुरुआत है, मुझे लगता है देर ही सही, लेकिन शुरुआत अच्छा है, मुझे लगता है आगे अच्छा ही होगा, और अच्छा करने के लिए हम लोगों के लिए भी बहुत जोर से आगे दौड़ना चाहिए। और दूसरों के साथ, मैं गवर्नमेंट के साथ मैं तो बहुत सारे चीजें नहीं बोल सकती, और बहुत सारे बोलने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं, कभी आऊंगी तो फिर बताऊंगी आपको क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक ये केवल खाद्य वस्त्र वास्तव ये क्या कहते हैं, मकान या खाना या कपड़ा के लिए नहीं, रोटी कपड़ा मकान नहीं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, उसका लाभ हम लोगों को उठाना चाहिए, इसी दिशा में हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट 10 कदम या 100 कदम आगे बढ़ेंगे तो हमको 10 कदम तो आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? हम बैठे बैठे गवर्नमेंट आपके पास नहीं आएगा, कभी कभी हमको भी आगे जाना पड़ता है, इसीलिए उसी दिशा में बहुत सारे ट्रेनिंग दिया जाता है, अभी आजकल स्किल ट्रेनिंग भी दिया जाता है बहुत से, उसका लाभ भी उठाना चाहिए हम लोग। मेरी कहना है आप सबके सामने है बहुत सारे उदाहरण, मुझे महिला होने और एक आदिवासी समाज में जन्म लेने पर गर्व है, हमारे देश में महिलाओं के योगदान के अनगिनत प्रेरक उदाहरण मौजूद है, समाज सुधार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान व्यवस्था, खेल कूद और सैन्य बलों तथा अनेक अन्य क्षेत्रों में हमारी बहनें और बेटियों ने अमूल्य योगदान दिया है। ऐसे कितनी ही महिलाएं हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है और नेतृत्व प्रदान कर रही है, ये भारतीय लोकतंत्र की शक्ति ही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। राष्ट्रपति के रूप में देश भर में शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोह में मैंने देखा है कि हमारी बेटियां बेटों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में भी पद्म पुरस्कार, शिक्षा अलंकरण पुरस्कार प्रदान करते हुए, सिविल सर्विसेज के विभिन्न बेस से मिलते हुए मुझे महिलाओं की अदम्य शक्ति का एहसास हुआ है। हाल के वर्षों में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों में से हमारी जनजातीय बहनों की संख्या काफी अधिक हुई है, पहले वे गुमनामी में रह जाते थे, आज राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल हमारी जनजातीय बहनों के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है, उस अनुभव से मुझे विशेष प्रसन्नता होती है। प्यारे बहनों, किसी भी कार्य में सफल होने के लिए ये अत्यंत जरूरी है कि आप अपने प्रतिभा को पहचानें और दूसरों के पैमानों पर अपना आकलन नहीं करें, कंपेयर नहीं करना चाहिए, आपके अंदर असीम शक्ति है, आप उस शक्ति को जगाएं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैंने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था, हर महिला की करनी मेरी कहानी, हर महिला की कहानी मेरी कहानी है। उस लेख में मैंने लिखा था कि एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए महिला पुरुष समानता पर आधारित जड़ीभूत पूर्वग्रह को समझना और उनसे मुक्त होना जरूरी है। यदि महिलाओं को मानवता की प्रगति में बराबर का भागीदारी बनाए जाते तो
हमारी दुनिया अधिक खुशहाल होती। झारखंड की राज्यपाल के रूप में यहाँ के लोगों की सेवा करने का अवसर मुझे मिला, इसीलिए आप लोग मुझे जानते हैं और मैं भी आप लोगों की प्रतिभा और क्षमताओं से भलीभांति परिचित हूँ। मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण के सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू समान रूप में से महत्वपूर्ण है। झारखंड की हमारी पश्चिम परिश्रमी बहनें और बेटियां राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ देश के आर्थिक विकास में अहम योगदान देने में सक्षम है। मैं आप सभी बहनों से अपील करूंगी कि आप अपनी प्रतिभा पहचाने और विश्वास के साथ आगे कदम ताल से आगे बढ़े। मैं झारखंड की धरती से ही जुड़ी कुछ बहनों के प्रेरक योगदान का उल्लेख करना चाहूंगी। मैं अमर बलिदानी वीरांगना फूलो जानो मुर्मू को भी नमन करती हूँ। उन्होंने फूल क्रांति का संदेश घर घर पहुंचाया था तथा स्त्री सेना का गठन कर अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किया। पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती जमुना टुडू लेडी टार्जन ऑफ झारखंड के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने जंगलों को बचाने के लिए अद्भुत निष्ठा और साहस के साथ कार्य किया है। संयोग से जमुना टुडू जो मेरी जन्मस्थली मयूरभंज के रहने वाली है, लेकिन यहाँ उनका ससुराल है। जिस प्रकार जिस धरती की बेटी अकेले टुडू जी ने अपने क्षेत्र में अनेक बाधाओं को पार करते हुए तालाबों को विकसित किया और जल संरक्षण और संवर्धन की राष्ट्रीय प्राथमिकता के संदर्भ में अत्यंत प्रेरणादायक है। पद्मश्री से सम्मानित सरायकेला के श्रीमती छुटनी महतो ने समाज में अंधविश्वास पर आधारित महिला विरोधी कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया है और अनेक महिलाओं का जीवन बचाया है। देवियों और स्वजनों, खेल के क्षेत्र में झारखंड की बेटियों की देश विदेश में पहचान है। सिमडेगा जिले को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। वहां से जो ब्यूटी डुंगडुंग, प्रमोदिनी लकड़ा, मोहिमा टेटे और दीपिका सरेंग जैसी प्रतिभाशाली लड़कियां हॉकी के खेल में अपनी पहचान बना रहे हैं। इसी खूंटी जिले की बेटी निक्की प्रधान ने सिमडेगा की सलीमा टेटे के साथ टोक्यो ओलंपिक में हमारी महिला हॉकी टीम के ऐतिहासिक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दीपिका कुमारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ ये धनुर्धरी या आर्चर के रूप में जाने जाते हैं। भारत का झंडा ऊंचा करने वाली झारखंड की इन बेटियों पर मुझे बहुत गर्व है। आप इन सभी के जीवन से प्रेरणा ले और अपने द्वारा चुने हुए क्षेत्र में आगे बढ़े। देवियों और स्वजनों, जनजातीय समाज अनेक क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनमें से एक है इस समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन ना होना। हम लोग कितने भाग्यशाली है इस समाज से हम जन्म लिए हैं। बिना दहेज के हम बहू लाते हैं, बिना दहेज के हम बेटी को देते हैं। इसी समाज को दूसरे अनुकरण कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पाते, कितने दुखी हैं। दुर्भाग्य से हमारी समाज के बहुत से लोग, यहाँ तक कि सुशिक्षित लोग भी आज तक दहेज प्रथा को छोड़ नहीं पाए हैं। ये एक शर्मनाक कलंक है, ये एक दहेज एक राक्षस है, इससे वो लोग ग्रसित है। इस संदर्भ में जनजातीय समाज का उदाहरण सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। देवियों और स्वजन, देश में लाखों परिवार को सेल्फ ग्रुप से जोड़ा गया है। महिला शक्ति झारखंड राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्रदान करती है।
इसीलिए झारखंड में अधिक से अधिक बहनों और बेटियों की स्वयं सहायता समूह से जुड़ना और उनके कौशल का विकास करने, उन्हें जो रोजगार प्रदान करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं में उनके अधिकारों तथा सरकार द्वारा उनके हित में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा होने और अर्थव्यवस्था के लाभ जरूर मिलेगा। मेरा मानना है कि आने वाले समय में अनेक क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व में विकास की गाथाएं लिखी जाएगी। ऐसे स्वर्णिम भविष्य के लिए मैं आप सभी को, विशेषकर अपनी बहनों और बेटियों को शुभकामनाएं देती हूं। आपके पास और पोटेंशियलिटी है, मुझे दिखता है। सरकार का सहयोग है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबका सहयोग है। मुझे लगता है बहुत सारा योजनाएं है, उसके बारे में जानना, जानकारी लेना, बहुत सारे ऐसे मुझे पता चला कि पंचायत में भी जानकारी देने के लिए व्यवस्था किया जाता है। जानकारी लेना हम लोगों का काम है, उसका लाभ उठाना हम लोगों का काम है और आगे बढ़ते जाना। आप आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। मुझे लगता है जनजातियों का भविष्य आगे और भी अच्छा होगा और हम जो सोच रहे हैं दूसरों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ने के लिए, आज जो अर्जुन मुंडा जी कहते थे कि हमको न्याय, बहुत सारे नीति नियम जो संविधान बनाया गया है, इसे तो भारत में 700 से ज्यादा जनजाति है, लेकिन जनजातियों में भी थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ जो संताल हो, मुंडा, खड़िया, भूमुज रहते हैं, उनका संस्कृति अलग है। उस संस्कृति को बचाए रखना अपने परंपरा, अपने आइडेंटिटी है, नहीं तो ये दुनिया के भीड़ में हम खो जाएंगे। संस्कृति को बचाए रखना और संस्कृति के साथ आगे बढ़ना और अपने बच्चों को भी उसी चीज को सिखाना। कभी कभी ऐसे होता है जब हम किसी ऑफिसर बन जाते हैं या कोई अच्छा काम कर जाते हैं, हम अपने संस्कृति को भूल जाते हैं। संस्कृति के साथ ही आगे बढ़ना, अपने आइडेंटिटी को बचाए रखना, क्योंकि आप जब आगे बढ़ते हैं पीछे के तरफ भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए। मेरे पीछे कितने लोग हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सरकार अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो आगे बढ़े दो कदम, दूसरों से, अपने सोसाइटी से भी थोड़ा बहुत दो कदम आगे बढ़े, उनका कर्तव्य है कि वो भी पीछे तरफ देखे। मेरे समाज में कितने लोग पीछे हैं, कितने पीछे हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं नहीं कहते हूँ क्योंकि सभी समाज को आगे बढ़ा, आप कितना कर सकते हैं। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर होना चाहिए। जो आगे बढ़ते हैं उनके भी, सरकार के तो अपने काम करते हैं, लेकिन अपने समूहों से, अपने सोसाइटी से जो आगे बढ़ते हैं, उनका भी कुछ कर्तव्य रहता है कि समाज के लिए को दिग्दर्शन देना भी एक काम है। आप कहते हैं कि तन मन धन, आप धन नहीं है तो तन से मन से उनको सहयोग करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसी के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई दे करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।